हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुमित राव। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे निगलने में कठिनाई। जी हाँ दोस्तों, निगलने में बहुत ज़्यादा किसी को कठिनाई होती है तो इसको बोलते हैं डायपेसिया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जो हम खाना खाते हैं तो निगलने में, कुछ भी खाते हैं तो निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए, इसको मैं एक छोटे से ही कम समय में ही आपको बताऊँगा, ठीक है। और जल्दी अगर आपका इन चीज़ों में मेडिकल में कुछ इंटरेस्ट है तो पीछे जो है आपको जो है बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे भी आपको आगे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो चैनल पे, ओके। तो ये जो समस्या है दोस्तों, ये काफ़ी सारे लोगों को होती रहती है। तो देखिए, आखिर क्यों क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है। देखिए, इसकी बहुत सारी डिजीज भी होती है, बहुत सारे कारण भी होते हैं, ओके। तो पहले कुछ नॉर्मल कॉमन कारण की बात कर लेते हैं। जैसे कि टोनसिल हो गया, गले के इस हिस्से के अंदर टोनसिल्स होते हैं दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट टोनसिल। अब इन टोनसिल में कई बार इतनी ज़्यादा सूजन आ जाती है कि गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये तो हो गया एक कॉमन चीज़ है, ओके। तो ये जो टोनसिल होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होती है। बहुत ज़्यादा जो ठंडा खा लेते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं रेगुलर, तो कोई बैक्टीरिया बॉडी में चला गया है या आपके जो है टोनसिल के आसपास संक्रमण कर जाता है, ठीक है। तो इससे हो जाता है टोनसिल में दिक्कत होती है। अगला है आपकी जो ये ईसोफेगल है, ये जो नली, ईसोफेगस बोलते हैं इसको, इसके ऊपरी हिस्से में जहाँ से ठीक है निगलने का जो स्थान है, ऊपर के हिस्से में कहीं पे सूजन हो गई है तो उस टाइम भी आपको निगलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अंदर एक फूड पाइप की और भी कई सारी बीमारियाँ होती है जिसमें फूड पाइप का आकार कम हो जाता है, ओके। तो ऐसी कंडीशन में भी निगलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो फूड पाइप के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें कई बार निगलने के बाद दर्द भी होता है। तो बहुत ज़्यादा बीमारी है तो डिटेल में तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके कुछ साइनिंग सिम्टम्स आपको मिल जाते हैं। साइनिंग सिम्टम में आपको, या तो जब आप निगलने की कोशिश करेंगे तो आपको खांसी आ सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है। दूसरा आपके साथ क्या हो सकता है, कई बार एसिडिटी के कारण भी होता है। तो एसिडिटी में बहुत ज़्यादा तेजाब मुँह में आ रहा, ऊपर की तरफ आ रहा, तो वहाँ पर छाले हो जाते हैं, ऐसे में भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है निगलने के अंदर, ओके। और यहाँ पे जो वॉल होता है, जो पेट से जुड़ा वॉल है इसोफेगस का, इसमें भी यहाँ पे वॉल में भी दिक्कत हो जाती है, जीआरडी या कोई और दिक्कत हो जाती है, वॉल वीक हो जाता है, तो अभी दिक्कत होती है खाना नीचे ले जाने में। तो अलग अलग इसके प्रकार है, अलग अलग साइनिंग सिम्टम्स देखे जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है, कई बार हम खाते बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी जो है कुछ मेडिसिन की। तो मेडिसिन जो होती है दोस्तों, कई तरह की दी जाती है। जैसे कि कारणों को ऐसे ही नहीं कि आपको डायरेक्ट कोई मेडिसिन ले ली है। पहले बात तो आपको कोई डिजीज है तो डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको मेडिसिन देगा। देखिए, मेडिसिन डॉक्टर किस प्रकार से देता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर किसी को टोनसिल हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सूजन आई है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको नमक का पानी लेना चाहिए, ठीक है। और उससे बार बार एक तो कूला करना चाहिए, ठीक है। मुंह में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होती है, जब तक ठीक हो जाती है ऐसी कंडीशन में, या फिर डॉक्टर जो है कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जो एंटी एलर्जिक होती है, या कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, या कोई वायरस चला गया है बॉडी में उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, गले में उसके कारण दिक्कत हो रही है, तो उसको ख़त्म कर सके, ठीक है। लेकिन कई लोगों को देखा जाता है कि एसिडिटी के कारण अंदर की तरफ छाले हो जाते हैं फूड पाइप में, तो ऊपर की तरफ निकलने में कठिनाई होती है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको कुछ पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, इस तरह की जो दवाई आती है, जैसे कि डाइजिन वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती है, तो कुछ एंटासिड आपको दे सकते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। कई लोगों को फेफड़े में भी कुछ दिक्कत होती है, जो फेफड़े की जो ट्रैकिया है, सांस लेने की जो नली है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो ऐसे में कई लोगों को निगलने में जो है निगलते हैं तो उसको खांसी आती है, तो वो फेफड़े की भी कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, उनको फेफड़े में कोई दिक्कत है, कोई रुकावट है तो ऐसी कंडीशन में, या किसको खांसी आ रही है तो उसको खांसी की कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है।
तो सभी पहले देखा जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस कारण से है। तो ज़्यादातर जो कॉमन केसेस होते हैं जिसमें थोड़ी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या थोड़े से सूजन अंदर की तरफ बढ़ जाती है नीचे की तरफ, तो ऐसी में कुछ एंटीबायोटिक एंड एंटी एलर्जिक कुछ दवाइयाँ लेने से, ठीक है, तो उससे जैसे कि सिट्राजीन हो गया, ओके, तो ऐसी दवाइयाँ लेने से कुछ ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हो जाती है लगभग की। लेकिन कई लोगों को और थोड़ी सी ज़्यादा समस्या है तो कुछ अलग अलग उसका चेकअप करके ही दवाई देनी चाहिए। जी दोस्तों, तो आपको कुछ नेचुरल चीज़ें भी इसमें बता सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा गले में निगलने में कुछ दिक्कत हो रही है, टोनसिल का आकार कुछ बढ़ गया है, ऐसे में आप एक तो ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करें, और पानी जो है आप जो पी रहे हैं उसको गर्म पानी को थोड़ा सा गर्म करके, ठीक है, जिससे आपका मुंह भी ना जले, ऐसा करके उसको बार बार पीना चाहिए। और हो सके तो उस पानी के अंदर थोड़ा हल्दी डाल लीजिए, हल्दी का पाउडर। ये एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, तो इसको लेने से आपके अंदर जो बैक्टीरियास हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दूसरा काम है कर सकते हैं, अगर आप एंटीबायोटिक से आपको अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें, अगर आपको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है, तो आप विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी खट्टे फ्रूट्स के अंदर होते हैं, जितने भी तरह के खट्टे फ्रूट्स हैं, मौसमी, नारंगी, नींबू, संतरा, जो भी हैं, सभी के अंदर 80% 70% कुछ इस तरह से लेकर के विटामिन सी होती है। तो भर भर के उसको विटामिन सी है, आप रेगुलर उसका जूस पी सकते हैं, नींबू 2-4 दिन उसका जूस पी सकते हैं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या है जिसके कारण ये हो रहा है तो ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा विटामिन सी की कुछ टैबलेट भी ले सकते हैं, जिनको जूस मनाई है तो ऐसी कंडीशन में वो कुछ सी की दवाइयाँ भी ले सकते हैं विटामिन सी की। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसे ये जो सारी चीज़ें होती है ये इसको मैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा। अगर मैंने बताया कि वीडियो में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो पीछे सोच रहा हूँ कि बोर्ड लगाऊं और उस पर आपको डिटेल वाइज एक चीज़ को उस पर समझाया जाए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।